Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover the poetry by the originator of the new criticism, J.C. Ransom. By the Riverside is the title of the poetry that we are covering today. I will provide you a playlist in description jahan par aapko short revision videos mil sakte hain sabhi important poetries ke. अब बात करते हैं इस राइटर की. ही वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर, स्कॉलर, लिटरेरी क्रिटिक, पोएट, एसेस्ट एंड एडिटर, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू. न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में आप सभी लोग MEG 5 कवर करते हुए पढ़ चुके हैं. ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वाइडली रिगार्डेड केनियन रिव्यू एज वेल, विच इज स्टिल इन पब्लिकेशन. 1939 टू प्रेजेंट, द केनियन रिव्यूज एडिटोरियल focus is to identify exceptionally talented emerging writers, especially from diverse communities. अब बात करते हैं अपनी इस poetry की. By the Riverside, which appears in the collection Poems About God, pictures God's glorious presence by the riverside. अगर आप किसी बहुत ही शांत सी जगह पर किसी river के पास जाएं, तो आपको अपने आप एक divine feeling आ जाती है. शायद यही feeling हमारे पोएट को आई है. इस पूरे कलेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 30 पोएट्रीज हैं अबाउट गॉड, लव, प्रेयर, जीसस एंड रेजरेक्शन. हियर द स्पीकर फाइंड्स गॉड कन्वेंशनली इन नेचर एंड इन दिस पोम द स्पीकर आयरोनिकली डिस्क्राइब्स अ मैन गॉड रिलेशनशिप टू. ये है फर्स्ट स्टैंजा. अ सीक्रेट वाटर मूविंग ऑन अ क्लीन ब्लू एयर फॉर हिज ब्रीदिंग स्पेस, अ पेयर ऑफ विलोज बेंडिंग डाउन इन डबल विटनेस टू हिज ग्रेस. And on the rock, his sinner sprawls and looks the strong one face to face. First stanza hai hamari poetry ka, jo ki ek grassy meadow ki description ke saath shuru hota hai. Beside the river, the speaker perceives God with all his grace. Aisa lagta hai ki God apne pure grace mein river ke paas baithe hain kisi rock par, aur rock ke paas hi ek sinner bhi hai, sinner jo ki God ki taraf face to face dekhte hain. गॉड में इतना ग्रेस है कि वो सिनर जो है उनकी टंग ड्राई हो जाती है. वंडर इज ऑन दैट माइटी जेरर ही लव्स एंड ही नेवर लव्ड बिफोर. तो हमारे सिनर को लगता है कि क्या मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, क्या मैंने बहुत पाप किए. यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं शायद सिनर की फॉर्म में वो खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि बॉटम माई हार्ट में जॉन डन ने खुद को एक सिनर की तरह रिप्रेजेंट किया था. ही वॉन्ट्स द ग्लोइंग स्काई no nearer, he likes the willow to be too. He would not have the water clearer, he thinks that God is perfect once heaven rejoices a new God fairer. तो ये जो नए हमारे सिनर आए हैं यहाँ पर, उनको ऐसा लगता है कि गॉड का जो रेडिकल फेस है बड़ा ही मुझे ट्रांसफॉर्म कर रहा है. एंड द सिनर इज अनेबल टू मॉक और इवन स्पीक. स्पीकर जो है, सिनर जो है वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाता है. सिनर ऐसा लगता है कि बिल्कुल वंडरस्ट्रक है. एंड ही सेंसेस अ गश ऑफ लव विद हिम. ऐसा लगता है कि आज मेरे दिल में प्यार की फीलिंग आ रही है, वो प्यार की फीलिंग जो पहले कभी भी नहीं आई थी. और उस सिनर को अब लगता है कि वाटर भी बिल्कुल क्लियर है और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट है और गॉड बिल्कुल परफेक्ट है. और पहली बार शायद वो सिनर गॉड से डर रहे हैं, अ न्यू गॉड फियरर. एंड नाउ Each quiet thing awakes and dances madly, wavers, dips. These are God's motions in the air. ऐसा लगता है कि उस नदी के आसपास सब कुछ खुशी से नाच रहा है. His pulse for the sinner's fingertips, his arrows shot across the blue, his love words dropping from his lips. And whoever heard such whisperings, whoever saw such fellowship. In stanza 3, Ransom portrays God as seen in various aspects of nature. The sinner's transformation awakes the quiet things of nature and they dance happily, representing God's motion. ऐसा लगता है कि वो सिनर जिसने कभी आज तक अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं किया, उसको अपने आसपास एक बहुत ही एनलाइटेंड एनवायरनमेंट फील हो रहा है. और सिनर उस गॉड की पल्स को, गॉड की एग्जिस्टेंस को एट प्रेजेंट बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहे हैं. ऐसा लगता है कि गॉड जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सिनर को समझ में आ रहा है. जो कुछ भी विस्परिंग्स हो रही हैं वो सब कुछ सिनर को समझ में आ रहा है. आज तक शायद वो सिनर जिसने कभी किसी की कोई बात ठीक से नहीं समझी. लास्ट टू लाइन्स में पोएट्री का कंक्लूजन है. रैंसम कंक्लूड्स द पोम विद द रेटोरिक. रेटोरिक मीन्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता. And whoever heard such whisperings, whoever saw such fellowships,
hinting that whoever has witnessed the power, benevolence, kindness, and fellowship of God will acknowledge the limits of his or her power and will accept the existence of God. किसी ने भी शायद गॉड को ना ठीक से कभी देखा है, ना सुना है, ना समझा है, लेकिन इस नदी के, इस डिवाइन नदी के किनारे आकर हर कोई शायद ये मानने को तैयार होगा कि गॉड जो है वो हर जगह प्रेजेंट है. आई होप यू अंडरस्टूड द पोएट्री. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स. You may join the classes to cover the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us for admission.